जैसा जनादेश मिला है और जो पिछले 7-8 दिनों में जो फीडबैक मिला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने बहुत उम्मीद जताई है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक नए नवेले नौजवान के हाथों में जो गिरिडीह लोकसभा की बागडोर देने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका जो फैसला है, जो निर्णय है, ये झारखंड की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। लड़ाई किससे है? देखिए, लड़ाई तो अभी तक हम कह नहीं पा रहे किनसे है, लेकिन जो भी है त्रिकोणीय मुकाबला है। आप किन्हीं को ये नहीं कह सकते कि वो रेस में नहीं है, कुल मिलाकर ये त्रिकोणीय मुकाबला है और जो भी मार्जिन होगा, लेकिन हमें लगता है कि जीत हमारे पक्ष में होगी। ये बताइए, चुनाव अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो गिरिडीह लोकसभा में लगभग 4 लाख से 5 लाख के आसपास हमारे मजदूर है जो पलायन कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बेहतर पॉलिसी का निर्माण हो, जो स्थानीय निजी प्राइवेट कंपनियां हैं वहां भी 75% का रूल को लागू किया जाए, प्रभावी रूप से लागू किया जाए, और साथ ही साथ कुछ आपको अपने आइडियाज से कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन पर चर्चा करना होगा, इन पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, और साथ ही साथ एक बेहतर पॉलिसी के साथ जो भी कंपनी अगर यहाँ आएगी, एक बेहतर पॉलिसी के साथ आए, उनका स्वागत करेंगे, और मुझे लगता है कि तभी जाकर इस राज्य की, इस लोकसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। धन्यवाद।